हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि फैशन। सो आज मैं आपके लिए ना एकदम स्टाइलिश सी नेकलाइन लेकर आई हूँ। आपको ना वीडियो पूरा देखना है, ठीक है? और मैं आपको ना सूट की कटिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी अगर सूट की कटिंग नहीं आती है करनी, तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है वीडियो, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी नेकलाइन होने वाली है, आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। तो मैंने ये नेट वाला फैब्रिक लिया है, नेट के नीचे जो मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है वो मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ फैब्रिक लिया, तो जो मैं लाइनिंग में कॉटन का फैब्रिक यूज़ करा है मैंने, तो वही मैं इसमें फैब्रिक लूँगी। तो मैं इसी पे ही अपनी नेकलाइन बनेगी मेरी। तो मैंने इसकी लेंथ ली 15 इंच और जो इसकी चौड़ाई है 20 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ इसकी लंबी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ना मैं इसमें पिन टक्स डालूँगी। तो पिन टक्स तो आपको आते ही हैं, कैसे डालते हैं। तो मैं कैसे पिन टक्स डालूँगी, 5 करके फिर मैं स्पेस छोड़ूंगी बीच में, फिर 5-5 करके मैं ऐसे करके पिन टक्स डाल लूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पिन टक्स डाल लिए हैं। तो मैंने 5 पिन टक्स डाले हैं। उसके बाद मैंने 1 इंच के करीब गैप छोड़ा है, ऐसे ही मैंने 5-5 करके अपना पिन टक्स डाल लिया और साइडों से मैंने इसको फोल्ड करके फिर सेंटर पॉइंट मैंने इसका निकाल लिया है। तो अब मैं नेक की लेंथ का और चौड़ाई का निशान लगा दूंगी। फिर इसके बाद हम इसमें मोती लगाएंगे। तो मोती हम कैसे लगाएंगे, तो आपको जितने भी मैंने 5 जो पिन टक्स डाले थे उसमें से पहले मैं 2 लूंगी और 2 को मैं लॉक कर दूंगी। लॉक करने के बाद फिर मैं इसमें मोती लगाऊंगी। तो मोती लगाने के बाद मैं दोबारा इसको लॉक कर दूंगी। तो इसी प्रोसेस से मैंने सारे मोती लगाए हैं इसमें, और ये देखिए सारे मोती लग चुके हैं और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने नेक भी रेडी कर लिया है। इसके बाद मेरे पास ना ये पतली वाली लेस है, तो मैं इससे इसको फिनिशिंग टच दूंगी। मैं पूरा अपना नेकलाइन में भी लगाऊंगी, पूरे उसमें मैं अपनी लेस लगा दूंगी। तो इसके बाद मैं आपको फुल दिखाऊंगी।